अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट अली हिशाम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, मैंने आज सोचा है कि आप लोग को मैं काली रोड के बारे में बताऊँगा, जो यहाँ की मशहूर रोड है। वहाँ पर तो वैसे तो ज़्यादातर कारोबार परिंदों का किया जाता है, तो चलें मैं आप लोग को बताता हूँ कि वहाँ पर कैसे कैसे परिंदे हैं और कौन सी नस्ल के परिंदे हैं। जी तो गाइस, मैं आ चुका हूँ काली रोड पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काली रोड पर ज़्यादातर परिंदों का कारोबार किया जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे परिंदे हैं। यहाँ पर बिल्लियाँ वगैरह भी हैं, खरगोश हैं, वो कबूतर हैं, बगले वगैरह, मुर्गियाँ, हर नस्ल का जानवर है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुर्गियाँ हैं और ये कबूतर, ये बतखें और बगला, खरगोश। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मछलियाँ के भी हैं लगाए हुए स्टैंड वगैरह, उनमें शॉपरों में मछलियाँ लगाई हुई लोगों ने अंदर से ले के यहाँ बाहर बेचने के लिए। और ये जानवरों के खाने के बर्तन भी हैं, पानी पीने वाले बर्तन भी हैं, और उनका खाना पीने सारा खुराक वगैरह भी इन्होंने यहाँ रखे हुए रेडियों पे लगा के। जी तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने खूबसूरत परिंदे हैं और हर नस्ल का कबूतर है यहाँ पर। और सीरीन तोते भी हैं हर नस्ल के। लोगों ने यहाँ पे पिंजरे भी रखे हुए हैं और वो लोग यहाँ पे पिंजरे बनाते हैं और फिर बाहर रख देते हैं बेचने के लिए अपने पिंजरों को। ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे मछलियों के भी, ये बड़ी दुकान में आपको लेके जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे बड़े एक्वेरियम पड़े हुए मछलियों के लिए। यहाँ से फिर वो बाहर ले कर जाते हैं मछलियों को और फिर बेचते हैं उनको, और ये उनके लिए खाना वगैरह भी रखा हुआ है उन्होंने। और यहाँ पर पिंजरे भी पड़े हुए हैं ताकि, और ये पिंजरों को भी बेचते हैं ताकि लोग फिर आएँ और इसमें तोते वगैरह अपने रखें और ले कर जाएँ। और यहाँ पर लोगों ने ये मछलियों के एक्वेरियम वगैरह भी रखे हुए हैं जिनको ये बेचते हैं। ये पिंजरे वगैरह भी पड़े हुए हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग, ये लोग फिर आते हैं मुर्गियाँ और ये चूज़े वगैरह लेके जाते हैं और फिर मोहल्लों में जाकर बेचते हैं इनको। और ये देख सकते हैं ये ग्रीन पैरट भी आ गए हैं और ये बोलने वाले पैरट हैं, और यहाँ पर आगे रोड ख़त्म हो जाती है। आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर कितने खूबसूरत खूबसूरत परिंदे थे और हर नस्ल का वहाँ पर परिंदा मौजूद था। अगर आप लोग के जहन में कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आप लोग के सवाल का जवाब दे सकूँ। और अगर आप लोग को कोई जगह की वीडियो वगैरह चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोग को उस जगह की वीडियो बनाकर दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगा अपनी नई वीडियो के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।